तो कल हमने आपके साथ डेटा समरी में क्या किया था कि हमने यहाँ पे एक डेटा है, दिख रहा है इस डेटा को। अब इस डेटा के ऊपर हमने एक फिल्टर अप्लाई किया था, यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, दिख रहा है कि मैं यहाँ पे 6 तारीख डालूंगा, जनवरी में फैब डालूंगा, और यहाँ 2000 मान लीजिए 22 डालूंगा। तो उसका डेटा 2022 नहीं था, 2023 था, हाँ 2023 था, उसका डेटा आ जाता है। और उस डेटे के ऊपर हमने क्या बनाया था, चार्ट। अब मुझे मजबूरन में ये डेटा भी यहां रखना पड़ेगा क्या सर? एक तो प्रॉब्लम क्या है कि मुझे डेटा यहां रखना पड़ेगा, दूसरी है चार्ट। अब चार्ट के अंदर ऑटोमेटिकली रेंज के लिए आप देख सकते हैं रेंज कम ज्यादा हो रहा है। हमने यहाँ पे एक डिफाइन नेम लिया था, और उस डिफाइन नेम के साथ क्या किया था हमने, हमने डिफाइन नेम के साथ फॉर्मूला लगाया था, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं फॉर्मूला लगाया था। तो ये मुझे क्या था, मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए था ये आपका चार्ट चाहिए था, ये सिटी वाइज चार्ट चाहिए था, राइट, उसकी क्वांटिटी का यही चाहिए था ना सर? और इसके लिए हम इतना अतिक्रम किया था। अब देखिए एक नई चीज, अगर आप यूज करते हैं एक्सेल पाइथन, तो इस सेम थिंग यहां देखिए कि मुझे इस पूरे डेटा में से मुझे क्वांटिटी और टारगेट के ऊपर अपनी चार्ट चाहिए, वो भी सेल्स ऑफिसर के हिसाब से। और इस फिल्ट्रेशन से अगर मैं यहाँ पे 2 तारीख डालता हूं, तो एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे देखिए कुछ ही सेकेंड में 2 तारीख का डेटा आ गया, चार्ट आ गया। और इसके लिए मैंने कोई खास तिग्रव नहीं किया, बस कुछ लाइनों का कोड किया, वो भी एक सेल के अंदर, दिख रहा है? एक सेल के अंदर जैसे फॉर्मूला टाइप लिखते हैं, उसी तरह से हमने क्या किया, कोडिंग किया। और कोडिंग करके हमें मिल गया सिर्फ चार्ट, क्योंकि मुझे डेटा नहीं चाहिए, मुझे अपने डैशबोर्ड में सिर्फ चार्ट दिखाना है, ठीक है सर? बट इससे पहले अगर हम एक्सेल के थ्रू जाए, तो मुझे यहाँ पे डेटा रखना पड़ेगा, क्योंकि डेटा के अंदर हम चार्ट के अंदर डेटा नहीं डाल सकते। डाल सकते हैं सर? क्योंकि डेटा अगर मान, चलो ठीक है, दूसरा तरीका है कि हम उसको एरर फॉर्मेट में डाल देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो डेटा है वो खुद एक फॉर्मूले से आ रहा है और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले से आ रहा है, तो पॉसिबल नहीं है ना सर? बट पाइथन एक्सेल के अंदर पॉसिबल है, और यही मैं सिखाने वाला हूं 18 तारीख से रात को 10 बजे, और जो कि डैशबोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेटा विजुलाइजेशन के लिए फुल इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आप डैशबोर्ड आसानी से बना सकते हैं, बट इसके लिए आपके पास होना चाहिए ऑफिस 365 प्रोफेशनल वर्जन, और आपको ज्वाइन करना पड़ेगा इसका बेटा चैनल। बीटा चैनल जो होता है ना ऑफिस 365 इनसाइडर को, पहले आपको साइन इन करना पड़ेगा और इसको एनरोल करना पड़ेगा, कौन सा, बीटा चैनल, तब जाके आप, आपके एक्सेल के अंदर में आ पाएगा पाइथन वाला ऑप्शन, ठीक है?